आ गई है नए दिन की शुरुआत, नए दिन की नहीं, नए ब्लॉग की शुरुआत अभी आ गई है, नए ब्लॉग की शुरुआत। और मैं इसके घर पे चला गया था, ये मेरा दोस्त, और मैं इसी से मिलने स्पेशली आया हूँ। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये चार धाम यात्रा के लिए पूरा हेलीपैड व्यू है। एक हेलीकॉप्टर, एक ये और एक ये, उसमें कवर चढ़ा हुआ है जिससे हमारी बाइकों पर रखा है। और ये रही हमारी गाड़ी, और गाड़ी के अंदर है सिलेंडर, बहुत सारा पीछे स्टफ। तो सोच लो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा भाई। बस कुछ तो कुछ तो हम प्लान कर रहे हैं, अब बाकी आपको आगे आके बताएंगे क्या चल रहा है। अब आपको वहाँ पे पहुँच के चल के बताते हैं कि क्या सीन है और हम कहाँ जा रहे हैं, नई लोकेशन पे जो सब आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। मैं भी, मेरे को भी यही डिस्कवर करा रहा है, मुझे भी आइडिया नहीं है, हालांकि मैं देहरादून रहता हूँ बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। चलो चलते हैं। ये चल रहा है हमारा गूगल मैप, लेकिन अभी नहीं बताएंगे अभी हम कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी तो हम खुद ही घूम जाते हैं, भाई बेइज्जती नहीं कराना चाहता। हाँ, बेइज्जती नहीं करवानी, तो इसलिए मेरे, वैसे अभी गाड़ी मैं नहीं चला रहा, अभी हमारा भाई चला रहा है। अभी मैं जरा अपने पैरों को आराम दे रहा हूँ, बहुत कई घंटे गाड़ी चला दी यार, खत्म भाई। हमारी गाड़ी में ऑटो फोल्ड नहीं, अब क्या कर सकते हैं। आपकी गाड़ी में? हमारी गाड़ी में सिर्फ ऑटो फोल्ड ही रह गए। जिस जगह पे हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे रिजॉर्ट्स ही रिजॉर्ट्स है। गैस करो, तू गैस कर, बाकी सारे लोग गैस करेंगे। हाँ। जब तक थोड़ा सा सस्पेंस बना के चलो ना कि क्या फर्स्ट आने वाला है। फर्स्ट लेटर और सेकंड लास्ट लेटर बता देना, उसमें भी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर बी और सेकंड लेटर सी। ओ भाई ये क्या है व्यू, अच्छा यहाँ पे तो कोई व्यू ही नहीं है। चलो आगे चलो, लेकिन रोड बड़ी प्यारी है भाई साहब। एक टर्न एक छोटा सा गलत पड़ गया शायद, सब गाड़ी पीछे लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं चलता रहता है सब। कर ले पीछे कर ले। अब जो रास्ता हम गलत आ गए थे वो था ये, जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ गए थे, हमें जाना था यहाँ। नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक। यस, नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक। चलो बादशाह चलो। फॉर ऑल माय फ्रेंड्स हु ड्राइव ऑन हिल्स, प्लीज डेड एंड पे जहाँ व्यू नहीं आता वहाँ पे प्लीज आप हॉर्न कीजिए, एक्सीडेंट से बचेंगे। मजा आ रहा है ना इस वाले, मतलब हमने एक नई जगह देखी, मतलब मुझे तो इस बात की अभी तक हम पहुंचे नहीं उस जगह पे, लेकिन मजा आ गया। मैं समझ गया वो जो सीक्रेट था ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, माल देवता। चलो भाई ले लो लेफ्ट। टेरी झील 105, चंबा 83, धनौल्टी 70 और कद्दू खाल 62। यहाँ हम पहुंच गए माल देवता पे। ये माल देवता का पुल क्रॉस करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इनफैक्ट ये भी छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है और एक वो छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, और ये जा रही है रोड ऊपर, बट हमें जाना है इधर लेफ्ट। बेसिकली एक रॉ रोड ऊपर जा रही है, रिफाइंड रोड नीचे जा रही है, आपको रॉ वाली पकड़नी है। हाँ। और आप बाकी देख लीजिए, जब पुल आ जाएगा ना माल देवता पे आगे ग्रीन कलर का पुल आ जाएगा, उसके बाद आपको आगे जाके लेफ्ट की तरफ होना है। वैसे वो ग्रे कर दिया ग्रीन का, क्या पुल का कलर ग्रे हो गया। चलो मुझे ना एक्चुअली गाड़ी से उतरना पड़ा ये सारी चीजें दिखाने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है ना यहाँ का, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा ना आपको मजा आ जाएगा। और ये
आ जाएगी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, ज्यादा ना आए ऑफ रोडिंग। गाड़ी गाड़ी पूरी पूरी हिल रही है ना। हाँ, क्या कह रहा है? इतनी नहीं बट रिफाइंड है, उसकी कुछ बोल के सस्पेंशन बहुत अच्छे है। डिसेंट पैच तो है ये, बट देखिए अच्छी जगह के लिए थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। कर लेंगे भाई कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आए किस लिए, इतनी दूर से किस लिए आए हैं? बिल्कुल सही बात है ना भाई साहब, इतनी भीड़, मुझे तो लगा था आज कोई भी नहीं आएगा, लेकिन भाई बस की बस लगाई हुई नीचे वो। हाँ, उधर पूरी पूरी बस है। ऊपर क्यों जा रहा है? नीचे जाना है शायद से, पता नहीं मेरे को किधर जाना है। अभी एक इतना तगड़ा सीन हो गया ना हमारे साथ, बस पूछो मत। जाम जा रहे थे ना, वो एक्चुअली गलत रास्ता है, मतलब ये जो मैंने पुल दिखाया था पीछे जिधर से आ रहा ग्रीन वाला, इससे थोड़ा सा आगे जाके इधर न्यू टिहरी के लिए रोड कट रही है और वो मेरी गांव को जा रही है और वहीं जाना था, तो मैं सोच भी रहा था वहीं जाना है, लेकिन बस गलती हो गया करे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे मतलब ये है कि थोड़ा कैंटी फॉल वाला टाइप काइंड ऑफ सीन है ना। एक्चुअली वो वाला सीन नहीं है, जो वाली जो हमें फील चाहिए, जो रॉ फील चाहिए हमें, जो आपको थोड़ा और सिक्लूडेड प्लेस नेचर से लेके और थोड़ी ऑर्गेनिक हो, या क्योंकि शहरों में तो सब कुछ मिल ही जाता है, तो ऐसी चीजें नहीं चाहिए। घूम फिर के आप आना चाहते हैं सिक्लूडेड प्लेस पे, जहाँ पे थोड़ा सा आप अपना पर्सनल टाइम ले सको, अपने थॉट्स के साथ थोड़ी बात कर सको। गए हम भी नहीं अभी, घूम फिर के अभी तक मिट्टी खा के आए, कोई बात बट ये एक पार्ट ऑफ सफर है। लेकिन हमने जगह देखी, हमें बहुत अच्छी लगी। अब जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ पे, फिर ये सब दिखाते हैं आपको। इस पुल से जाएंगे हम इधर से होते हुए हम जाएंगे इस पुल की तरफ, और जैसे ही ये पुल आएगा यहाँ से ये जा रही है हमारे गांव की तरफ, सकलाना पट्टी की तरफ जा रही है, ये सीधे कद्दू खाल निकल जाएगी, जहाँ से आप जा सकते हो टीरी वगैरह चंबा हर जगह जा सकते हो, और हमें जाना बिल्कुल सामने इधर। उसकी गाड़ी ना निकल पाए ना हमारी गाड़ी निकल पाए, बट भाई बहुत सेंसिबल है, भाई ने बड़े प्यार से पीछे बहुत ही सीट बंद है। नहीं थैंक यू बोलना चाहिए ना, थैंक यू बोल दे एक बार भी। थैंक यू भैया, आपका टायर रियर टायर थोड़ा सा लो है, प्रेशर है। यहाँ पे रिजॉर्ट्स ही रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, जंगल गदेरा, अब भगवान जाने, लेकिन व्यू देख, मतलब व्यू सारी जगह पे पहुंचे नहीं है, व्यू लोग कहेंगे कि भाई साहब जगह तो पहुंचे नहीं हो, तो व्यू करे जा रहे हो। देखो लोग नहा रहे हैं भाई साहब। One eternity later. I'm a brother forgot the main element of the trip is that raw chicken. बेचारा वापस गया और लेके आया, बट ठीक है यही चलता है यार, सामान भूल गया था। आधा किलोमीटर की चढ़ाई हो गई, कोई नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रिप ब्रो। लेकिन हाँ मजा आ रहा है बहुत। खुश हूँ मैं। सारा स्टॉक है यार हाथ में, सब है। दे दे वो तो मैं दिखाने के लिए कर रहा था। भाई ने पकड़ ही लिया। अब मन नहीं कर रहा लेने का वापस। तो खराब हो गई।
ये हमारे विराजमान होते हैं। अरे इंटरस्टेट स्विमिंग चैंपियन है हमारा भाई, बट फील ले रहा पूरी। ये देखो ये सोचे दो मिनट में झरने में, मैं होता ना मेरी तो फटके हाथ थी ले रहा है बंदा लो डॉग। ये देखो बस यहीं पे ट्रैक पूरे कर दिए, उन्होंने लैप पूरे कर दिए। ये हमारा बैक टॉक मारते हैं भाई साहब, सारी टर्मिनेशन चल रही है भाई। जेन्युइन नोट पे जगह बहुत ही अच्छी है और लिटरली फील बहुत अच्छा है इसका, एंड वाटरफॉल का जो थ्रो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड पानी बहुत नीट एंड क्लीन है। तो जेन्युइनली हेवन ऑन अर्थ। एक बार हमने अपने चिकन को दोबारा चेक किया था, पूरी तरीके से नहीं पका था, हमने कहा चलो ठीक है एक बार हल्का सा और कर देते हैं। वैसे ऊपर की ये देख रहे हो कितनी सही, मतलब मज़ा ही आ गया यार, और ऊपर से ये नज़ारे, ये आ गया भाई साहब फिसल गया था। यही तो यही होता है अगर आप शूज वगैरह ना पहन के आओ। हमने भाई साहब सोचा नहीं था कि मतलब ऐसी वाली ट्रिप हम करेंगे, मतलब हमें इतनी दूर जाना है, वहाँ सामने इतनी छोटी सी हमारी गाड़ी हमें दिख रही है और इतने ज़्यादा थक चुके हैं, और इधर पहाड़ी पहाड़, और ये इसे कहते हैं सीढ़ी नुमा खेत, जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सीढ़ी नुमा खेत होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। यस सो बाय बाय कहने का समय आ गया इस ब्यूटीफुल सी प्लेस को, बाय 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 बोलते हैं के लिए। पहले क्या बोला था किसी ने, ये बहुत ब्यूटीफुल सा गांव है। ये गांव नहीं है भाई, मेरे रिसॉर्ट है। सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को दबाएं।